नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के तक प्रमुख खबरों को। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को एक और झटका लग गया है। बता दें कि कंपनी का ऑडिटिंग का काम संभाल रही कंपनी ने ग्रुप से रिजाइन कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद की ऑडिटिंग कंपनी ने ज्यादा बिजी होने के हवाला देते हुए अडानी टोटल गैस से अपने आप को अलग किया है। इस बार में अडानी टोटल गैस ने शेयर बाजार को जानकारी दे दी है। अडानी टोटल ने कहा है कि मैसर्स शाह धनधारिया एंड कंपनी ऑडिटिंग का काम संभाल रही थी, जिसने रिजाइन कर दिया है। अमेरिकी फेड रिजर्व ने एक बार फिर नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर दी है। फेड रिजर्व ने मई की पॉलिसी में नीतिगत दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद नीतिगत दरें 5.0 से 5.25% के बीच हो गई है। हालांकि आज के फैसले में फेड ने आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के क्रम को रोकने के भी संकेत दिए हैं। पार्टी की ओर से नमो ऐप पर प्रधानमंत्री की मन की बात का 100वां संस्करण 30 अप्रैल को सुनने की कुल तस्वीर जो अपलोड हुई है, इससे पता चला है कि मन की बात सुनने वालों में भारत के बाद दूसरा नंबर अमेरिका और तीसरा नंबर इंडोनेशिया का रहा है। मन की बात सुनने के मामले में अगर राज्यों की बात की जाए तो गुजरात पहले, बिहार दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए थे। यहां तक कि G20 देशों ने रूसी तेल के आयात पर प्राइस कैप लगा दिया था। इसके बावजूद रूसी तेल भारत के जरिए खरीद रहा है। कहा जा रहा है कि यूरोप रूस का तेल भारत के जरिए खरीद अपने ही प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने भी अपने ओपिनियन पन्ने पर एक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई थी और उसमें कहा गया था कि कैसे यूरोप भारत और चीन का इस्तेमाल कर रहा है। जंतर मंतर पर बुधवार देर रात हुए बवाल के बाद गुरुवार को पहलवानों ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहलवानों ने कहा है कि उनकी लड़ाई सरकार या विपक्ष से नहीं, उनकी लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह से है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि अगर खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो सकती और उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो ऐसे में उनके मेडल और पुरस्कार सरकार वापस ले ले। पुनिया ने कहा है कि हम सरकार को अपना मेडल वापस कर देंगे, ऐसे में मेडल का हम क्या करेंगे। कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम पिछले कुछ समय से काफी बढ़ रहा है। इस स्कैम को लेकर यूजर्स को काफी सतर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्कैमर्स पीड़ितों को बरगलाने के अन्य तरीके खोज रहे हैं। कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम में स्कैमर्स नकली कॉलर आईडी का उपयोग कर रहे हैं। वे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बनकर कॉल कर रहे हैं। वे किसी सरकारी दफ्तर से कॉल करने का भी नाटक कर रहे हैं। यह स्कैम इतना खतरनाक हो चुका है कि ट्रू कॉलर ने भी अपने एक ब्लॉग पोस्ट में से स्कैम के बारे में बात करते हुए बचाव के तरीके बताए हैं। लंदन में फरवरी 2022 में भारतीय उच्चायोग पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद ब्लैकलिस्ट हुए अंकित लव ने पीएम मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में अंकित ने प्रधानमंत्री से माफी मांगते हुए भारत आने की परमिशन देने का अनुरोध भी किया है। बता दें कि अंकित लव जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक दिवंगत भीम सिंह का बेटा है। दरअसल अंकित की माँ जयमाला का एक हफ्ते पहले निधन हो गया था। इसके बाद उसने अपनी गलतियों के लिए पीएम मोदी से माफी मांगते हुए अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए भारत में आने की इजाजत मांगी है। भारतीय रेलवे की शाखा भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCT या स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। इसको लेकर IRCT ने आज खगड़िया शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता में का आयोजन किया, जहां IRCT ने संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने कहा है कि भारत गौरव ट्रेन आगामी 20 मई को कोलकाता से खुलेगी, जो किउल, बरौनी, समस्तीपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र आदि स्टेशनों पर रुककर तीर्थ यात्रियों को सवार करके चिन्हित धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जब रिटायर्ड हो जाएगा तब ISS की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। यूरोप की मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला नया स्पेस स्टेशन डिजाइन किया है, जिसका मॉड्यूल हाल ही में पेश किया गया है। बैंक के 25 मेंबर्स वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यह फैसला किया है कि और बंगा का टेन्योर 2 जून से शुरू होगा। भारत में जन्मे फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट बंगा वर्ल्ड बैंक को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल क्राइसिस से निपटने के लिए नए सिरे से रिवैम करेंगे। 63 वर्ष के बंगा को फरवरी के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से स्पोर्ट के लिए नामित किया गया था, जो मौजूदा बैंक प्रमुख डेविड मलपास की जगह आने के लिए एकमात्र दावेदार थे। भारतीय रेलवे लगातार देश के अलग अलग रूट पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। कई राज्यों के प्रमुख शहरों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जा चुका है। अब इसमें 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर पूर्वोत्तरी राज्यों का नाम भी जुड़ने वाला है। जल्द ही इन राज्यों को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। रेलवे बोर्ड ने चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की पूर्व उत्तर राज्यों के लिए वंदे भारत ट्रेन को कोच के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में 3 मई को छात्रों के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है।
राजस्थान के अलवर जिले में पानी का संकट बना रहता है। गर्मियों में तो पानी की समस्या और गहरा जाती है। लोगों को किसानी करने के लिए तो दूर पानी पीने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में खेती के लिए अलवर के किसानों ने आधुनिक तकनीक अपनाया है। किसान ड्रिप सिस्टम, मिनी फव्वारा, सोलर ऊर्जा पंप लगा रहे। रियासत ने बताया है कि वो मल्चिंग पद्धति से कई तरह की सब्जियां और फल उगाते हैं। इसमें उन्हें फायदा भी हो रहा है। फसलों में जैविक खाद का उपयोग करते हैं। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। जंतर मंतर पर बुधवार देर रात बवाल के बाद पहलवानों का देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक कथित पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में देर रात हुई घटना का पूरा ब्यौरा देते हुए खिलाड़ियों ने गृह मंत्री के सामने अपनी चार मांगे रखी। इसमें जरूरी सामान की लिस्ट भी है। खिलाड़ियों ने पत्र में दिल्ली पुलिस पर खिलाड़ियों पर हमला करने और उनके साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है। वायरल हो रही चिट्ठी पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के हस्ताक्षर हैं। देश के किसी मशहूर जगह घूमने जाएं तो अक्सर वहां चीन के काफी लोग दिखते हैं। लगभग साल भर चीनी सैलानी भारत में सैर सपाटे के लिए आते रहते हैं। यही हाल दूसरे देशों में है। स्पेन से लेकर भूटान तक वे जमकर यात्राएं करते हैं। यहां तक कि घूमते हुए वे सबसे ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। सबसे ज्यादा आबादी के बावजूद भारत देश यात्रा के मामले में काफी पीछे। कोविड के दौरान लगभग 2 सालों तक यात्राएं रुकी रही। देशों ने अपने बॉर्डर बंद रखे थे। ऐसे में टूरिज्म भी कटकर काफी कम हो गया है। रेलवे ने नई दिल्ली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स और अहमदाबाद स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निविदाएं रद्द कर दी हैं, क्योंकि प्रस्तुत की गई बोली अनुमानित लागत की तुलना में अधिक थी, जिसके बाद रेलवे ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सबसे कम बोली लगाने वालों ने अनुमानित लागत से ज्यादा बोली लगाई। उसके बाद रेलवे के पास उन निविदाओं को खारिज कर उनकी समीक्षा करने का ही विकल्प बचा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में करीब 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। साथ ही इन कंपनियों ने अमेरिका में करीब 4.25 लाख नौकरियां भी दी हैं। एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रासिटी भी मौजूद रहे। जंतर मंतर में धरने पर बैठे देश की शान पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। गुरुवार को देश के उच्चतम न्यायालय ने रेसलर्स के केस को अपने पास से बंद कर दिया और हाईकोर्ट या निचली अदालत जाने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस का साफ तौर पर कहना है कि FIR हो चुकी है, जिसके लिए याचिका दाखिल की गई थी। अब न्याय के लिए मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले में हुई हिंसा के बाद 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सेना को तैनात कर दिया गया। इंडियन आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। सेना ने बताया है कि मणिपुर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा को लेकर अनुरोध किया था। इसके बाद सेना असम राइफल्स ने 3 मई की शाम को सभी प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में यूनिट को तैनात कर दिया। लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित इलाकों में ले जाया जा रहा है, ताकि कानून व्यवस्था बहाल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए 3रे सेवा विस्तार पर केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह इतने जरूरी है कि शीर्ष न्यायालय के मना करने के बावजूद उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या कोई व्यक्ति इतना जरूरी हो सकता है। दरअसल शीर्ष अदालत ने 2021 के अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद प्रवर्तन निदेशक के पद पर रहने वाले अधिकारियों का कोई भी सेवा विस्तार कम अवधि का होना चाहिए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि संजय मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। इन दिनों एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। इन सब के बाद आने वाले शुक्रवार यानी 5 मई को डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज होने वाली है। वही रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। इस फिल्म की कहानी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब केरल की महिलाओं की है। दावा किया जा रहा है कि इन महिलाओं को खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS ने किडनैप कर लिया था। वहीं इस फिल्म के कई सीन्स पर सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की कैची चल गई है। बताया जा रहा है कि फिल्म पर 10 कट लगाए गए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और कुछ पुलिस कर्मियों के बीच कथित तौर पर झड़प को लेकर जयंत चौधरी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि सूत्रों द्वारा खबर मिली है कि जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा पहलवानों और सहयोगियों पर वार हुआ है। ये हमारे मान सम्मान के साथ सीधा खिलवाड़ है। बहन बेटी के अधिकारों के लिए हमारे देश के भाई और बहनों को आगे आना ही होगा। सुबह जंतर मंतर जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी जी क्यों नहीं अपने सांसद को बोल देते हैं कि नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दे। देश पहलवानों के अपमान को नहीं सहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, जबकि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में वोट डाला। मायावती ने कहा है कि पहले चरण के तहत प्रदेश में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी यह चुनाव अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी से लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा नतीजा मिलेगा। बलात्कार मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला निचली अदालत को भेज दिया और निर्देश दिया कि इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास मामले को भेजा है।
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश विजयवर्गीय की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के दूर दराज इलाके मरवा के मचना जंगलों में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो सेना के LH ध्रुव हेलीकॉप्टर है। सेना के अधिकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में पायलटों को चोटें आई हैं, लेकिन वे सुरक्षित हैं। भारत और ईरान ने मंगलवार को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र के तहत अधिक सहयोग के साथ एक नई वैश्विक व्यवस्था के तहत अपने रिश्तों को नया स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रायसी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच मंगलवार को एक बैठक हुई। इस दौरान दोनों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए नए स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमन कुमार, MD साकिर हुसैन, नौसाद रजा, MD अनवर आलम, नुन्नू गोलू कुमार और दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।